हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशीमा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आशा करती हूँ सभी अच्छे हो, और इस आशा के साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये है ब्रह्म कमल का पौधा। ये एक बहुत ही अच्छी पौधा है घर के लिए, घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखने के लिए। ये इसकी व्याख्या हमारे हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स, ये ब्रह्म कमल का पौधा है, इसको अगर आप घर पे लगाते हो तो आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कायम रहती है, आपके घर में घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर भागता है, और पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखते हैं आपके घर में। तो पॉजिटिविटी अगर आपके घर में रहेगी तो सुख शांति ऐसे ही चली आएगी, और सुख प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है इस प्लांट को लगाने से। तो इसे हम लगा ही सकते हैं, जैसे कि हम लकी प्लांट मनी प्लांट वो लगाते हैं, उसकी तरह ही है ये प्लांट। बहुत ही अच्छी एक प्लांट है, बहुत ही लो केयरिंग है, ये एक सकुलेंट टाइप की प्लांट है। इसको आप लीफ से ग्रो कर सकते हो, इस पर कोई भी शीट नहीं होती, आप देख सकते हो ये पत्ती से ही लीफ निकला हुआ है, और बहुत ही अच्छी एक फ्लावर होती है, रात में इस पर फ्लावर खिलती है, तो इसीलिए इसको नाइट क्वीन फ्लावर बोलती है। और बहुत ही अच्छी खुशबूदार एक फूल होते हैं। कहते हैं कि जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का वरदान है वो ही इसकी फूल खिलते हुए देखती है। तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ तो हमेशा ही फूल खिलती है, ये तो कहने की बातें हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता है सभी प्लांट पे भगवान का वरदान ही है, ताकि क्योंकि वो प्लांट हमें बचने के लिए ऑक्सीजन देती है, तो मेरे ख्याल से सभी प्लांट अच्छे होते हैं। और ये जो प्लांट है ये आप लीफ से ग्रो कर सकते हो, इसको ग्रो करना भी बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, मैंने देखो इसको एक 8-9 इंच का पॉट है, इस पर मैंने लगाया हुआ है। और इसको लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर एक बहुत ही अच्छी होल हो, ताकि इस पर पानी ना जमने पाए। आप देख सकते हो इसकी मिट्टी एकदम ही ड्राई है। तो ऐसे ही आप एक वेल ड्रेनेज होल वाला एक पॉट पे आप इसको लगा दो। इसको लगाने के लिए कोई भी उतना ज़्यादा स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मैंने हले रखा है मैं, क्योंकि लगाऊंगी दूसरी एक प्लांट। तो फ्रेंड्स देखो, ये है नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, थोड़ी सी बालू मिट्टी मिला के मैंने इसको रेडी करके रखा है, और इसको लगा दूंगी। इसको लगाने से बहुत अच्छी तरह ग्रो होती है। जब भी आप इसको लगाओगे तो एक मैच्योर जो लीफ है उसको तोड़ के आप लगा दो, अच्छी तरह ग्रो होती है। तो मैंने एक लगाया भी हुआ है, देखो फ्रेंड्स ये लगाया हुआ है, ऐसे ही मिट्टी पे रख दिया, ताकि मिट्टी की टच से ही इसके जो साइड से है प्लांट निकलेगी, तो उसको मैं अलग करके लगा दूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आती हूँ इसकी फर्टिलाइजिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। जब मैं दूसरे प्लांट के लिए खली का पानी या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र घोलती हूँ तो इस पर दे देती हूँ, और साल में एक बार इसकी मिट्टी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, और इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप ही इसके लिए काफ़ी है, ऐसे ही अच्छी तरह ग्रो होती है। और कुछ नहीं चाहिए इस प्लांट को, और कोई भी स्पेशल इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, और फ्लावर ऐसे यहाँ से ऐसे निकलती है, पत्तियों में ही फ्लावर होती है, यहाँ से ऐसे फ्लावर लटकती रहती है, और बहुत ही अच्छी खुशबूदार एक फूल होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। वैसे तो फ्लावरिंग उतना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 2 या 3 फूल खिलते हैं, वो 2-3 फूल खिलने से ये लगता है कि आपकी पूरी घर को महका देती है। और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी प्लांट है, तो इसको हम लगा ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखो ये जो एक पत्ती है, इससे 1-2-3 ऐसे 3 पत्तियां निकली हुई है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे पत्तियों को तोड़ के ही आप इसको लगा दो, अच्छी तरह ये ग्रो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है, ये जो प्लांट है, आपको अच्छा लगे। आप भी इसको घर पे लगाओ, इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रो हो जाएगी आप अगर लगा सकते हो। और ये नर्सरी में भी अवेलेबल है, आप कहीं से कलेक्ट करके लगाओ, जैसे भी लगाओ लेकिन लगाओ, और बहुत ही अच्छी होती है, तो इसको लगाना ही चाहिए हम सबको। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। और आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए, और इतनी प्यारी प्यारी कॉमेंट्स देने के लिए। और अगर इसके बारे में आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो फ्रेंड्स, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अपने चारों तरफ ग्रीन बनाइए, ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए, और अपनी प्लांट्स का ध्यान रखिए, और मेरी वीडियोस को देखिए। थैंक यू।